ये ले कृष्णा, आज ये गहने और कपड़े तुझे पहनना है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सोलह सिंगार करना है। और हाँ, 12 बजे हम वट की पूजा के लिए निकलेंगे, समय पे तैयार हो जाना। कृष्णा का नया रूप देखकर ना आर्यमन को उस पर प्यार आ रहा है। भाई कृष्णा तो इतनी सुंदर लग रही है साड़ी में। यहाँ पर कृष्णा का ना निर्जला व्रत है और यहाँ तैयार हो रही है। दादी ने उसको बहुत सारे कपड़े दिए हैं। ले और गहने भी दिए, वो सब पहनकर ना इतनी सुंदर लग रही है कि भाई जो आर्यमन है वो अपने को रोक नहीं पा रहा है। और यहाँ पर भाई एक अलग ही केमिस्ट्री दोनों की देखनी। और आर्यमन अचानक से आ जाता है, कृष्णा जब तैयार हो रही होती है, और कृष्णा उसको देख के थोड़ी शर्मा भी जाती है और आर्यमन कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से इनका प्यार और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो इनकी ये क्या हो रहा है मुझे? मैंने कभी पहले ऐसा महसूस तो नहीं किया। महीने की शादी है ना, अनन्या ने तो डाइवोर्स के पेपर्स भी साइन करा दिए हैं। और वहीं हम देख रहे हैं कि भाई अनन्या भी तैयार होकर आ गई है यहाँ पर आर्यमन के लिए और निर्जला व्रत रखा है। अब ये देख कर ना उसको बहुत गुस्सा आएगा कृष्णा को, और कृष्णा कहेगी ये क्या है, तो मैं रख रही हूँ ना, मैं इसकी पत्नी हूँ तो ये क्यों रख रही है। अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आएगा लेकिन कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन आर्यमन तो भाई बोल देगा कि ये मेरी पत्नी है ना, अभी तो हाल फिलहाल के लिए चाहे 6 महीने के लिए सही, लेकिन ये मेरी वाइफ है तो तुम मेरे लिए क्यों व्रत रख रही हो। यहाँ पर जो अनन्या के पापा है ना वो भी पूछेंगे कि तुमने क्यों व्रत रखा है, तो बोलते कि देख लेना भाई आर्यमन जो है ना सबसे पहले मेरे को ही पानी पिलाएगा, मेरा ही व्रत तोड़ेगा। तो अब देखेंगे कि भाई आर्यमन किसका व्रत तोड़ता है, पहले कृष्णा का तोड़ता है या अनन्या का तोड़ता है, ये तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। बट आप मुझे बताइए आपको कृष्णा और आर्यमन की जोड़ी कैसी लग रही है, और आपको क्या लगता है कि भाई जो अनन्या है उसका प्लान कामयाब हो पाएगा, क्या वो कृष्णा को घर से बाहर निकल पाएगी।